दुनिया भर में कोरोना वायरस महामारी तेजी से फैलने के बीच एक दिलचस्प बात निकल कर आ रही है कि लगभग आधे पुष्ट मामले सिर्फ 3 देशों से आ रहे हैं, अमेरिका, ब्राजील और भारत। ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं, 10-10 लाख से ज्यादा मामले वाले इन देशों में कुछ तो समान है। सबसे बड़ी समानता इन देशों में ये है कि तीनों में सरकार की कमान एक पॉपुलिस्ट नेता के हाथों में है, जो अपनी सारी नाइंसाफी पर टिकी नीतियों को सही ठहराने के लिए राष्ट्रवाद का सहारा लेने में माहिर है। डोनाल्ड ट्रंप, जायर बोल्सोनारो और नरेंद्र मोदी, तीनों में वो तमाम लक्षण हैं जिनकी वजह से उनके एक निरंकुश सत्ता बन जाने के बीच में सिर्फ एक लकीर भर का ही फासला रह गया है। ये तीनों खुले बाजार, भूमंडलीकरण और ताकतवर कॉरपोरेट का भी झंडा लेकर चलते हैं। कम से कम 4 समानताएं इन तीनों की सरकारों के कामों में देखी जा सकती हैं, जिससे एक महामारी को मानवीय त्रासदी में बदल दिया गया। महामारी इन देशों में कम होती नजर नहीं आ रही। आइए देखते हैं अमेरिका, ब्राजील और भारत ने कहां गलती की। पहला, टेस्टिंग में विश्वास न करना। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज इस बात पर फूले नहीं समा रहे हैं कि उन्होंने 4,40,00,000 टेस्ट करवाए हैं, लेकिन कुछ समय पहले तक वे खुद इस महामारी को गंभीरता से लेते हुए नजर नहीं आ रहे थे और टेस्ट करने की इजाजत देने में बहुत ही आनाकानी कर रहे थे। इस अविश्वास की वजह से 6 हफ्तों का बहुत जरूरी समय हाथों से निकल गया, जिसने आज महामारी के इतने फैल जाने की जमीन तैयार की। जाहिर है इसमें और भी गलतियां शामिल थी। इसी तरह ब्राजील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो ने भी इस महामारी को नकारा, इसे अदना जुकाम कहा। इसलिए अचंभे की बात बिल्कुल भी नहीं है कि ब्राजील में टेस्टिंग के मामले में बहुत पीछे रह गया। यहाँ बड़ी मात्रा में सैंपल जांच के इंतजार में है और लैबों के पास टेस्ट में काम आने वाले रसायन की भी कमी है। फिलहाल ब्राजील में हर 10 लाख लोगों पर सिर्फ 23,094 टेस्ट हो रहे हैं। भारत में मोदी सरकार ने कभी भी टेस्ट करने में कोई विश्वास नहीं दिखाया और ये इस बात से साबित होता है कि उन्होंने सारी जिम्मेदारियां राज्य सरकारों पर डाल दी। औसतन भारत में एक दिन में हर 10 लाख लोगों पर 11,478 सैंपल टेस्ट हो रहे हैं। ब्राजील और भारत में टेस्ट की इतनी भारी कमी का एक सीधा नतीजा ये है कि यहाँ असल में कितने मामले हैं सही उनका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। जानकारों की माने तो यहाँ पर जितने मामले दर्ज हो रहे हैं असल मामले उनसे 2 से 5 गुना ज्यादा हो सकते हैं। दूसरा, जिम्मेदारी जनता पर थोपना। इन तीनों नेताओं ने बड़े कारगर तरीके से महामारी से लड़ने का भार जनता पर ही डाल दिया। मोदी ने ऐसा लोगों को चेतावनी देकर किया कि यह बड़ी खतरनाक बीमारी है और इससे सिर्फ संकल्प और शक्ति से ही लड़ा जा सकता है। उसने लोगों को घर पर रहने और सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए कहा। ट्रंप और बोल्सोनारो ने इससे उलट महामारी का नकारा और ये संकेत दिए कि लोग अपनी जिंदगी जैसे जीते आ रहे थे वैसे ही जीते रहे। हालांकि व्यवहारिक रूप से मोदी ने ऐसे विचार नहीं जाहिर किए, लेकिन अंततः यही हुआ कि तीनों देशों में लोगों की सुरक्षा उन्हीं पर छोड़ दी गई। भारत जैसे देश में जहां लाखों लोग भयंकर गरीबी में रहते हैं, प्रधानमंत्री की सलाह के ज़्यादा मायने नहीं थे। लोगों से जितना हो सकता था उतना ही इसका पालन किया, लेकिन फिर वो काम और खाने की तलाश में बाहर जाने को मजबूर हो गए। ब्राज़ील और अमेरिका में जनता को गलत संदेश देने का मतलब था कि जो लोग मास्क पहन सकते थे और दूरी बना सकते थे उन्होंने भी ऐसा नहीं किया। तीसरा, अर्थव्यवस्था ही सबसे बड़ी प्राथमिकता। अलग वजहों और मजबूरियों के चलते तीनों देशों के नेता अर्थव्यवस्था को फिर से खोलने पर आमदा थे। इसमें कोई शक नहीं कि इससे मामलों में उछाल आया। मोदी की बात करें तो देश और वे खुद जिस बुरी स्थिति में फंसे वो लगभग 2 महीनों लंबे एक बिना सोचे समझे लागू हुए और बेहद कड़े लॉकडाउन का नतीजा था। इसने अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया। इसकी वजह से 12 करोड़ लोगों की नौकरी चली गई और 80% आबादी से उनकी आमदनी छिन गई। मुफ्त में अनाज बांटे जाने और बैंक खातों में छोटी सी रकम दिए जाने से थोड़ी मदद तो मिली, लेकिन ये नाकाफी था। लोग किसी भी हालत में लॉकडाउन को और नहीं झेलने वाले थे। इसका सबूत है कि लाखों प्रवासी मजदूर लॉकडाउन के दौरान ही अपने अपने गांव की ओर पैदल चल पड़े। एक अनुमान के मुताबिक इस दौर में 971 लोगों की मौत थकान, भूख, सड़क हादसों और आत्महत्या के कारण हुई। इस बीच कॉरपोरेट क्षेत्र भी काम शुरू करने के लिए जोर दे रहा था, तो जून से मोदी ने लॉकडाउन में ढील देना शुरू कर दिया। अब तक जो महामारी धीरे धीरे बढ़ रही थी वो एकदम से फैलने लगी। जून से अब तक कुल मामलों में 2/3 का इजाफा हुआ है। ट्रंप के लिए अर्थव्यवस्था बहुत जरूरी थी, ये इसके दोबारा चुनाव जीतने का टिकट है।
महामारी से पहले हर पोल में उसे बढ़त हासिल थी क्योंकि रोजगार बढ़ रहा था और एक लंबे समय बाद अर्थव्यवस्था सामान्यतया बेहतरी के आसार दिख रही थी। लेकिन कोरोना वायरस के फैलने और राज्यों में लॉकडाउन के साथ अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई और ट्रंप का हुक्म का इक्का मानो गायब ही हो गया। इसलिए उसने लगाम कसना शुरू किया, पहले महामारी को नकारा, फिर इसे स्वीकार किया और तुरंत कहना शुरू किया कि सब काबू में है, अब हमें सामान्य जिंदगी और वापस चलना चाहिए। बोल्सोनारो कभी भी कुछ भी बंद करने के हक में नहीं था। उसने प्रांतीय सरकारों से झगड़े किए, दो स्वास्थ्य मंत्रियों को निकाला, लगातार स्थिति को गंभीरता को नकारता रहा। समय के साथ साथ ब्राजील में हालत और भी बिगड़ते चले गए और अंततः बोल्सोनारो ने अपने हाथ खड़े कर दिए और राज्यों को अपना काम करने की इजाजत दी। यही अब मोदी सरकार भी कर रही है। चौथा और आखिरी, जर्जर स्वास्थ्य सेवाएं। तीनों नेताओं में से किसी ने भी महामारी से लड़ने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं का मूलभूत ढांचा तैयार करने पर कोई भी ध्यान नहीं दिया। जरूरी उपकरणों को खरीदने में भी देरी की गई। अतिरिक्त स्टाफ को प्रशिक्षण देने के लिए कोई कार्यक्रम नहीं चला। बड़ी संख्या में आ रहे मरीजों को संभालने के लिए भी कोई योजना नहीं बनाई गई। परेशानियां खड़ी हो जाने के बाद फैसले लिए गए। भारत में कम टेस्ट और अपेक्षाकृत कम शहरी तथा कम उम्र की ज्यादा आबादी होने के कारण शायद अब तक मुंबई और दिल्ली के अलावा अन्य जगहों पर अस्पताल और सामान्य स्वास्थ्य सेवाएं पर इतना भार नहीं पड़ा है। लेकिन जैसा कि कुछ शोध दिखा रहे हैं कि मामले अनियंत्रित रफ्तार से बढ़ेंगे, इसलिए आने वाले दिनों में मोदी सरकार को ये सब कमियां खूब सताने वाली है। एक जैसे व्यक्तित्व और महामारी से निपटने के लगभग एक जैसे तरीकों की वजह से ट्रंप, बोल्सोनारो और मोदी तीनों अपने अपने देशों को अलग अलग रास्ते से लाते हुए एक ही जगह पर पहुंचे हैं। ये तीनों नेता आखिर में कोविड राजा बन ही गए।